वेलकम टू माय चैनल नीमास कॉर्नर और मैं हूँ नीमा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा पर्पल हॉल। इसमें मैंने सिर्फ मेकअप के प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स नहीं हैं, क्योंकि भाई फेस्टिवल सीजन आने वाला है और नया नया मेकअप किसको अच्छा नहीं लगता, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। इसमें आई शेडोज, हाईलाइटर्स, लिपस्टिक, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। सभी प्रोडक्ट के लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करती हूँ आई शेडोज से। तो ये है मेरा पहला पैलेट जो मैंने मंगवाया है, ये स्विस ब्यूटी का। इसमें आपको 12 शेड्स मिल जाते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ शेड्स, ये देख सकते हो आप शेड्स, बहुत ही सही लग रहे हैं इसके शेड्स। और इसमें आपको इस तरीके का एप्लीकेटर भी मिलता है, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, कम शेड्स जब होते हैं तो हमारे पास बहुत लिमिटेड चॉइस हो जाती है, तो इस तरीके का एक पैलेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, ये है स्टे कुकी ने न्यू लॉन्च किए हैं कुछ आई शेडो पैलेट्स, तो मैंने भी एक मंगवाया है। इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, मतलब ये मैग्नेट पैकेजिंग के साथ आता है। शेड मैं आपको दिखा दूँ तो इसमें आपको 4 शेड्स मिल जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें, मैंने एक ऑप्शन चूज़ करके मंगवाया है। और इसमें भी आपको ब्रश मिलता है साथ में, सारे शिमर शेड्स हैं इसमें। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, देखो शाइन दिख रही है। तो इसमें है चारों, मैंने जो मंगवाया है इसमें कोई भी मैट शेड नहीं है, चारों शिमर शेड हैं, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में चमकना ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट आई शेडो की बात करूँ तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है ये। इसमें अगर मैं बात करूँ तो यह है माई साइन बाई रेवोल्यूशन कैंसर कम्प्लीट आई पैलेट प्राइमर शेडो ब्रो इल्यूमिनेट। सब आपको इसमें एक ही पैलेट में मिल जाते हैं, मतलब आई प्राइमर की आपको अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ब्रो फिलर की आपको अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब आपको इसमें मिल जाता है। मैं आपको दिखा देती हूँ, तो ये आप देख सकते हो, इसे आप यूज़ कर सकते हो एज अ आई प्राइमर। ये प्राइमर दिया गया है आपको यहाँ पे। इसमें आपको 2 शेड्स मिल जाते हैं, इसे आप आईब्रो फिलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, आई शेडोज मिल जाते हैं, और ये आपको थोड़ा सा हाइलाइटर मिल जाता है यहाँ पे लगाने के लिए। तो आप इस तरीके से पूरा पैलेट एक ही में ले सकते हो, आपको अलग अलग चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें मैंने मंगवाया है कैंसर, इसमें काफ़ी सारे अलग अलग साइंस थे, तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। पैलेट्स नहीं लेना चाहते हो, सिंगल सिंगल कलर लेना चाहते हो, तो आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करना। ये है मिस रोज़ के ग्लिटर एंड ग्लो। अगर आपको ग्लिटर पसंद है ना, तो ये आई शेडो सिर्फ आपके लिए बनाया है। मैं आपको शेड बता देती हूँ, इसमें है मेरा शेड 02 और दूसरा है 05। 05 जो है ये गोल्डन है, ज़रा सा लगाया मैंने देखो, और इसको मैं अभी बस दिख रहा है इतना सा आई शेडो लगता है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा लगा देना, ज़रा सा रखना है, और इसकी शाइन आप देख सकते हो। इसी में दूसरा जो मैंने मंगवाया है ये ब्रॉन्ज है, एक मेरे पास इसका ब्लैक पहले से ही है, तो वो मुझे इतना अच्छा लगा था तो मैंने कहा चलो एक बार 2 ये भी मंगवा लेती हूँ, क्योंकि फेस्टिवल सीजन आने वाले हैं और बार बार आपने तैयार होना होता है। तो ये है ब्रॉन्ज वाला और ये है गोल्डन वाला। तो अगर आप सिंगल सिंगल चाहते हो, ग्लिटर वाले चाहते हो, आप इन्हें ट्राई ज़रूर करके देखना। आप कोई आई शेडो की बात, अब बात करती हूँ लिपस्टिक की। लिपस्टिक के लिए मैंने जो सबसे पहले चूज़ किया है ना, मिनी लिपस्टिक है। मिनी लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद आती है, क्योंकि ट्रैवल फ्रेंडली ये होती हैं, छोटे छोटे से बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ये NYB ने जो लॉन्च करी है, किट नंबर 4 है ये। इसमें 4 से 5 किट लॉन्च हुई हैं, आई थिंक 4 हुई हैं या फिर ज़्यादा हुई हैं, एक बार आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। मैंने जो किट चूज़ करी है ना, इसमें रेड, पिंक, ब्राउन, पर्पल चारों शेड थे, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ अपने हाथ पे, यह रेड वाला इस तरीके की है, छोटू सी, और आप इसे एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अफोर्डेबल प्राइस में ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। मैं आपको चारों अपने हाथ पे लगा के दिखा देती हूँ एक बार फटाफट से, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाओगे और मैं भी बोर हो जाऊँगी। नेक्स्ट शेड आपको दिखाती हूँ, इसमें है एक रेड, मैरून, पर्पल एंड ब्राउन, ये हैं इसके 4 शेड्स, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट लिपस्टिक दूसरी वाली जो मैंने मंगवाई है, ये है लोटस हर्बल की। लोटस हर्बल ने काफ़ी कुछ लॉन्च किया है अपने मेकअप सीरीज़ में, तो मैंने 2 प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं, एक है लिपस्टिक और एक है इसका फाउंडेशन। फाउंडेशन मैंने एक बार ट्राई किया है, बहुत बढ़िया वाली कवरेज देता है। लिपस्टिक मैं अभी आपके सामने खोल रही हूँ, पैकेजिंग ही जान ले लेती है कई चीज़ों की, तो इसकी तो पैकेजिंग ही धांसू है बड़ी। तो मैं आपको इसको हाथ पे लगा के दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं आप, हॉट रेड कलर की मैंने मंगवाई, क्योंकि रेड कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें मैं आपको अपना शेड बता देती हूँ, इसका शेड है 610 क्रिम्सन रेड, तो इसे आप चेकआउट कर सकते हैं।
इसके अलावा मैंने एक वेट एंड वाइल्ड की भी मंगवाई है। वेट एंड वाइल्ड ने न्यू सीरीज लॉन्च करी है, तो उसमें से मैंने आई शेडो और लिपस्टिक मंगवाया है अपने लिए। इसे भी मैं आपको अपने हाथ पे लगा के दिखा देती हूँ फटाफट से। ये है वेट एंड वाइल्ड की लिक्विड लिपस्टिक। एक मैंने बुलेट लिपस्टिक भी मंगवाई है वेट एंड वाइल्ड की, अफोर्डेबल अगर आप ढूंढो ना तो इस पे जाना जरूर। 130 रुपये इसका MRP है और आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 100-110 रुपये में आई थिंक आपको मिल जाएगी। एक बार आप चेकआउट ज़रूर करना। और शेड देख रहे हो, शेड इसमें बहुत सारे थे। पर्पल की साइट पर हमेशा डिस्काउंट चलते रहते हैं, तो जब भी आपको कोई अच्छा डिस्काउंट मिले ना, जाके लूट लिया करो पर्पल वालों को और ज़बरदस्त डिस्काउंट ले लिया करो। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जब भी कोई अच्छा सा डिस्काउंट आता है ना, मैं भी फटाफट से शॉपिंग कर लेती हूँ। वही आपने भी करना है। तो अभी भी अगर आप चेकआउट करोगे तो अभी भी अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। फर्स्ट टाइम मैंने मंगवाई है शुगर की लिपस्टिक्स। ये है शुगर की बुलेट लिक्विड लिपस्टिक है ये। शेड मैं आपको बता देती हूँ 15 ब्लश रेड। ये मैंने कल लगाया था अपने हाथ पे, जब मुझे ये रिसीव हुई है ना, आप देखोगे मेरे हाथ पे यहाँ पे एक निशान लग रहा है। कल मैंने इसे ट्राई किया था और ये अभी तक मेरे हाथ पे लगी हुई है। मतलब आप सोच सकते हो ये कितना स्टे करेगी अपने लिप्स पे। इसका शेड मैं आपको दिखाती हूँ, ट्राई कर सकते हो। ये शुगर की लिपस्टिक, ये तो हो गई शुगर की लिक्विड लिपस्टिक। एक मैंने मंगवाई है शुगर की बुलेट लिपस्टिक, इसमें मेरा शेड है 04 रेवोल्यूशनरी रोज। ये मैं आपको दिखाती हूँ। पैकेजिंग की अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके की पैकेजिंग में आती है, ब्लैक कलर की मैट लुक में। और ये मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो ये हैं वो लिपस्टिक्स जो मैंने मंगवाई हैं, सारी मैंने आपको लगा के दिखा दी हैं। तो चलिए अब मैं इसे क्लीन कर लेती हूँ ताकि हाइलाइटर्स आपको दिखा सकूँ। सीजन में चमकना बहुत जरूरी है, गुलाबी गुलाबी गाल दिखना बहुत जरूरी है। तो मैंने सबसे पहले मंगवाया है वेट एंड वाइल्ड का ब्लश। ये आपने भी देखा होगा अगर आप पर्पल की साइड पे जाते हो तो, ये बहुत ही नेचुरल आपको ग्लो देता है। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही नेचुरल ग्लो देता है। कुछ ब्लश होते हैं जो बिल्कुल पता चलते हैं कि इसने अपने गालों पे कुछ लगाया है, बट इसे लगाने के बाद बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और बहुत ही हल्की सी शाइन आएगी। तो अगर आप नेचुरल ग्लो चाहते हो ना तो इसे आप एक बार ट्राई कर सकते हो। ये है वेट एंड वाइल्ड का। इसके अलावा जो मैंने एक मंगवाया है हाइलाइटर, ये अगर आप मेरी वीडियोज़ को नोटिस करते हो ना, देखते हो, तो आपने देखा होगा मेरे पास पिंक कलर में, पिंक कलर वाला मुझे बहुत पसंद है, बहुत नेचुरल लगता है। एक मैंने ये मंगवाया है रेवोल्यूशन का बेक्ड हाइलाइटर। आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, बहुत जबरदस्त शाइन आ रही है इसकी। इसमें मेरे पास बेबी पिंक कलर में भी है, उसका लिंक भी मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसका लिंक भी मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप भी इन फेस्टिवल्स में इस तरीके की चमक चाहते हो ना अपने फेस पे, तो इसे एक बार चेकआउट जरूर करना। इसके अलावा एक मैंने मंगवाया है वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर, ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार उंगली फेरी है मैंने इसके ऊपर एक बार, और देखो इसमें गोल्डन है, इसमें थोड़ा सा पिंकी पिंकी सा ग्लो है, बिल्कुल नेचुरल लग रहे हैं ये, देख सकते हो आप, बहुत ही बढ़िया ग्लो आता है इससे, तो आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा एक मैंने हाइलाइटर और मंगवाया है जो कि है स्विस ब्यूटी का। ये वाला अगर आपको याद होगा, ये मेरे पास पहले था लाइट ब्राउन कलर में, उसका शेड मुझे याद नहीं, आई थिंक ब्राउन ही है उसका शेड। ये मैंने मंगवाया है एक और, ये मुझे बहुत पसंद आया, इसका शेड है लाइट पिंक। ये है लिक्विड हाइलाइटर, ये सारे थे पाउडर हाइलाइटर। मैं आपको दिखाती हूँ, निकालना नहीं है, सिर्फ मैंने एक डॉट बनाया है, देखिए। तो अगर आप पाउडर हाइलाइटर की जगह लिक्विड हाइलाइटर ट्राई करना चाहते हो ना, तो आप इसे एक बार चेकआउट कर सकते हो, बहुत सही काम करते हैं। इनका फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आप पूरे फेस पे ग्लो चाहते हो ना, तो आप इसे अपने थोड़े से फाउंडेशन के साथ मिक्स करके लगा सकते हो। बॉडी में शाइन चाहते हो तो अपने मॉइस्चराइजर वगैरह में इसे ऐड करके लगा सकते हो, बहुत ही सही शाइन आती है। तो ये थे हाइलाइटर्स। इसके अलावा जो मैंने मंगवाया है, एक है मोडा का वाटरप्रूफ आईलाइनर, जेल आईलाइनर है बेसिकली ये आपका एप्लीकेटर मिल जाता है, और मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। देखिए तो बहुत ही सही लगने वाला है। अब मुझे इसे लगाना सीखना पड़ेगा क्योंकि मुझे जेल लाइनर लगाने नहीं आते हैं अभी ढंग से, तो जब मैं इसे लगाना सीख लूंगी तो ये आपको मिलेगा मेरी अगली किसी वीडियो में। तो एक बार आप इसे चेकआउट करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं।
नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ यह है लोटस हर्बल का फाउंडेशन। जी हाँ, पम्प बॉटल में आपको ये मिलता है, तो ये इसकी बहुत अच्छी बात है कि आपको वेस्ट नहीं होगा, बोतल को पलटाना नहीं पड़ेगा। ज़रा सा मैंने लिया है, दिखा रही हूँ मैं आपको, क्रीम बेस है ये, वाटर बेस मुझे नहीं लग रहा कि भाई बिल्कुल ही पानी की तरह फैल रहा है, बट कवरेज इसकी बहुत सही है यार, बहुत सही। देखो दिख रहा है अंतर, मतलब इतना मेरा हाथ हाइलाइटर लगा के नहीं चमक रहा जितना इस पे चमक रहा है। तो आप इसे एक बार चेकआउट कर सकते हो, मेरे हाथ देख रहे हो, बहुत ही बढ़िया वाली कवरेज मिल रही है इससे, तो आप इसे एक बार चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट जो फाउंडेशन मैंने मंगवाए हैं दो, जिन्हें मैं बहुत यूज़ करती हूँ, वो है ये दोनों। ये तो मेरा फेवरेट है, रेगुलर अगर मुझे यूज़ करना होता ना मैं इसे यूज़ करती हूँ। ये लैक्मे का नेचुरल मार्बल शेड है मेरा, और दूसरा वेट एंड वाइल्ड का है ये, इसमें है मेरा सॉफ्ट बेज शेड। एक एक बोतल इसकी तो मैं 2-3 बोतल ख़त्म कर चुकी हूँ, और इसकी मैं एक बोतल पूरी ख़त्म कर चुकी हूँ। मेरे मेकअप ट्यूटोरियल्स में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले प्रोडक्ट्स यही हैं, तो इन्हें मैंने मंगवाया क्योंकि ये हो रहे थे मेरे ख़त्म। एक मैंने मंगवाया है लैक्मे का कॉम्पैक, लैक्मे का 925 सीरीज में मैंने दो चीज़ें मंगवाई हैं, एक है सीसी क्रीम और एक है कॉम्पैक। तो कॉम्पैक भाई बाहर से तो बड़ा अच्छा लग रहा है, अंदर से इसके साथ आपको एक स्पॉन्ज मिल जाता है, और ये मिल जाता है इसमें लगी हुई एक प्रोटेक्शन लिड, बहुत सॉफ्ट है यार। मैं कभी भी ना ये जो पाउडर्स होते हैं इन्हें इससे नहीं लगाती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ ब्रश का, क्योंकि उससे बहुत ही ईजिली लग जाते हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है सही, देखिए ब्लेंड हो गया बहुत ही ईजिली। प्रोडक्ट हमेशा ऐसा ही होना चाहिए जो ब्लेंड हो जाए बहुत ही ईजिली। तो इसमें मेरा शेड है आमंड मैट, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे शेड नंबर लिखा हुआ है, शेड का नाम, जो भी आपको प्रोडक्ट पसंद आ रहा है उनके लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं एक्चुअली जल्दी जल्दी वीडियो बना रही हूँ, वरना ये वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं पर्पल हॉल के, और आप लोग बोर हो जाते हैं और फिर बोलते हैं मैडम इतने सारे प्रोडक्ट एक साथ मत दिखाया करो। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये है लैक्मे की 925 सीसी क्रीम, और ये है SPF के साथ विद एलोवेरा, प्योर एलोवेरा SPF 30 PA++। तो ये आपके सनस्क्रीन का भी काम कर रहा है, एलोवेरा है तो आपकी बॉडी को नरिश भी कर रहा है, और सीसी क्रीम का काम तो कर ही रहा है। देखो ये देखो, हेयर केयर अगर मैं बात करूँ तो इसमें दो प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाए हैं, स्किन केयर नहीं है, एक तो हेयर केयर का है और एक है बॉडी वॉश। ये मैंने मंगवाया है शावर जेल एल्प्स गुडनेस का, एक्चुअली एल्प्स गुडनेस के शावर जेल की मैंने बहुत तारीफ सुनी थी, तो मैंने सोचा चलो एक मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। दूसरी चीज़ जो मैंने मंगवाई है वो है बनाना शैम्पू गुड वाइब्स का, गुड वाइब्स के बनाना शैम्पू की मैंने बहुत तारीफ सुनी है, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करके देखती हूँ। मेरे एक व्यूअर ने मुझे बोला था ट्राई करना और फिर हमें बताना, तो अब मैं उसे ट्राई कर रही हूँ। मेरे बाथरूम में रखा हुआ है वो, एक बार ही मैंने उसे यूज़ कर लिया है, जब 4-6 बार यूज़ कर लूँगी तो आप लोगों के साथ उसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। इसके अलावा दो प्राइमर मैंने मंगवाए हैं, ये है लैक्मे का ब्लर प्राइमर, अगर आपको बहुत ज़्यादा फाउंडेशन वगैरह लगाने का शौक नहीं है ना तो इसे ट्राई करो, और कॉम्पैक्ट लगा लो, ये आपको बहुत ही हल्की सी कवरेज दे देता है। मैंने मंगवाया है ब्यूटी ब्लेंडर, क्योंकि मैं फाउंडेशन ब्रश से नहीं अप्लाई करती हूँ ना फिंगर से अप्लाई करती हूँ, मैं ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करती हूँ, तो मैंने इस बार मंगवाया है पैक ऑफ 6, तो आपके पास भी होना चाहिए स्टॉक में हमेशा ये चीज़। लास्ट में मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, भाई इतना सारा मेकअप लगाएंगे तो मेकअप रिमूव भी तो करना पड़ेगा ना, मेकअप रिमूव करने के लिए मैंने मंगवाया है स्टे क्विकी का मेकअप रिमूवर, टेक इट ऑफ मी, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ। जेल वाला भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, उसका रिव्यू भी कर चुकी हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये मेकअप रिमूवर। अच्छा मेकअप होना तो आपके पास बहुत ज़रूरी है ही, एक अच्छा मेकअप रिमूवर होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये थे कुछ प्रोडक्ट्स जो मैंने मंगवाए हैं इस फेस्टिवल सीजन के लिए पर्पल से। उम्मीद करती हूँ वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करोगे, जो भी प्रोडक्ट समझ में आता है उसके लिंक दिए हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट भी ज़रूर कर लेना क्योंकि आपको मिल सकता है बहुत ही अच्छा खासा डिस्काउंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।